कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच देते वक्त भारत में विपक्षी पार्टियों, नेताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की दिक्कतों का जिक्र किया था। राहुल ने कहा, मेरे फोन की जासूसी होती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर यह ऐसा दबाव है जो लगातार झेलना पड़ता है। राहुल के इस बयान पर भाजपा ने एतराज जताया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। वहीं राहुल ने कहा, बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस है, मेरे फोन में भी पेगासस था। मुझे इंटेलिजेंस अफसरों ने बुलाकर कहा था कि आप फोन पर जो भी कुछ कहें बेहद सतर्क होकर कहें, क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर ने मीडिया से कहा, राहुल गांधी एक बार फिर से विदेशी धरती पर हो हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं, पेगासस उनके दिमाग में है। राहुल गांधी को इटली के पीएम को सुनना चाहिए कि उन्होंने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है, और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पर फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था, और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे, राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। राहुल गांधी इससे पहले मई 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। यहाँ पर उन्हें आइडियाज फॉर इंडिया विषय पर बोलना था। इस दौरान राहुल ने कहा कि मोदी सरकार देश के संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद और चुनाव आयोग को उनका काम नहीं करने दे रहे हैं। भाजपा ने उनके इस बयान पर एतराज जाहिर किया था।